नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली बिहार, NIOS के DLED ODL कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है भाषा शिक्षण के अंतर्गत, यानी प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण, जो हमारे पाठ्यक्रम का क्रम 503 है, उसके ब्लॉक 3 एवं इकाई 7 में वर्णित पद्य शिक्षण। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस विषय के विशेषज्ञ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर निरंजन सहाय जी हैं। आप सब की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार निरंजन जी, आज की इस चर्चा में हम अपने प्रशिक्षुओं तक पद्य शिक्षण जी की जो बारीकियां हैं या पद्य शिक्षण के जो सोपान हैं उसे पहुंचाना चाहते हैं। आपका योगदान, आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। एक तो पद्य शिक्षण को हम अब थोड़ी आसान शब्दावली में ले आएँ और इसे फिलहाल कविता शिक्षण कहकर संबोधित करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा जी। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कविता शिक्षण क्या है। साहित्य में विभिन्न विधाएं हैं और सभी विधाओं के अध्ययन, अध्यापन या शिक्षण के लिए अलग अलग गतिविधियाँ, कक्षाई रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। वैसे में पूर्व में हमने गद्य शिक्षण पर बात की है और गद्य के विविध रूपों को समझने की भी बात की है। पद्य शिक्षण में हम कविता शिक्षण पर आज केंद्रित होकर बात करेंगे। कविता शिक्षण क्या है उसे, उस पर अपनी समझ बनाएंगे। अब निरंजन जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे कविता शिक्षण क्या है इस गुत्थी को सुलझाते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद ज्ञानदेव जी। कविता की दुनिया अनूठी है। जीवन की जटिलताओं, संघर्षों एवं आकांक्षाओं का विश्वसनीय ब्यौरा कविता को वक्त के साथ जोड़ देता है जी। कविता पढ़ते समय एक पाठक के रूप में हम इन सरोकारों से जुड़ते हैं, तो कविता पढ़ाते समय हमारे सामने काव्य चेतना को अपने अनुभव के रूप में प्रकट करने की चुनौती खड़ी हो जाती है। गौर करने की बात है कि कविता पढ़ाते समय उसकी व्याख्या भर उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ाना अपने आप में एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बिंबों को ग्रहण करते हुए कविता में व्यक्त भावों, विचारों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना तथा विद्यार्थियों से साझा करना इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं। साहित्य में पद्य शिक्षण के अंतर्गत कविता का अध्यापन करना गद्य शिक्षण से बिल्कुल अलग है, जहाँ गद्य में द्रुत गति से और मौन रहकर अधिक सामग्री का पठन करना होता है, वहीं कविता में वाचन में कम सामग्री होती है। कविता वाचन में उचित विराम और उचित लय होनी आवश्यक होती है, अन्यथा कविता नीरस और बेजान लगने लगती है। जब तक कविता को उचित लय गति से नहीं पढ़ेंगे उसका आनंद नहीं आएगा और न ही उसका अर्थ और भाव स्पष्ट हो पाएगा जी। निरंजन जी, कविता शिक्षण के अलग अलग सोपान भी हैं जी, उन सोपानों पर आप कुछ प्रकाश डालें जी। जो हमारे शिक्षार्थी हैं वे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के कौशल में माहिर होना चाह रहे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो इसी पर केंद्रित है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि उनकी कक्षाओं में आमतौर पर जो कविताएं शामिल हैं उनके अध्यापन के समय कविता शिक्षण के क्या सोपान हो सकते हैं, इस पर अपनी बात कहूँ। कविता शिक्षण के अनेक सोपानों की चर्चा की जाती है। प्रस्तावना, कवि एवं कविता के संदर्भ की जानकारी, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन, विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण, अध्यापकों द्वारा व्याख्या, सौंदर्य का उद्घाटन आदि आदि। लेकिन बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक इसे हम लोग व्यावहारिक रूप से न समझें जी। आइए व्यावहारिक रूप से इसे समझते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, उसके अंश के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कविता देखिए।
भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब यह कविता पढ़ाते समय हम क्या करेंगे, पहले तो प्रस्तावना की बात करें। प्रस्तावना में अध्यापक देर से सोकर उठने के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करेंगे, वे कोई अनुभव कहानी या कविता भी सुना सकते हैं या सकती हैं, फिर इसका धीमी गति और लय के साथ पाठ किया जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ के अवसर मिले तो और अच्छा, फिर अध्यापक कविता की व्याख्या करेगा, वह आवश्यकता अनुसार फिर अलंकार भाषा शैली की चर्चा करेगा। प्रायः कविता के मूल्यांकन और पाठ में एक रूपता का पालन कविता के मर्म तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। यह सही है कि कविता में कुछ सार्वभौम विशेषताएं होती हैं, पर यह भी सही है कि हर युग में कविता पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। निरंजन जी, क्या यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि हम कविता शिक्षण करते हुए जो इसके आवश्यक सोपान है उसमें एक अवसर शिक्षार्थियों को भी दें कि वो पढ़ी हुई कविता का या वाचन की गई कविता का अर्थ निकालने की कोशिश करें, अनुमान लगाएं? यह भी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि शिक्षक ही उसकी केवल व्याख्या न करें। जी, एक अवसर हम जी शिक्षार्थियों को भी दें। सोपानों की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले प्रस्तावना, हम कवि की प्रस्तावना बताएंगे, फिर कविता के अर्थ के बारे में बातचीत करेंगे, पठन जब एक बार शिक्षक या शिक्षिका करेंगे या आदर्श वाचन जिसको हम लोग कहते जी, उसके बाद विद्यार्थियों से भी उस कपाट अनुकरण वाचन उसको कहा जाता है जी, और उसके साथ ही उस कविता में निहित जो बातें हैं उस पर बात हो सकती है, उसमें जो बिंब हैं या उसके जो काव्य सौंदर्य हैं उस पर बातचीत हो सकती है, और ये अवसर हम दे सकते हैं अपने शिक्षार्थियों को कि वो अनुमान लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण करते समय क्या कविता के पाठ या अध्ययन में एक रूपता होती है, सभी कविताएं एक जैसी ही पढ़ी जाती हैं, या एक शिक्षक को किसी कविता के अध्यापन के समय किन चीज़ों का को ध्यान में रखना चाहिए? जी जी, यही दिक्कत है कि जब कविता के अध्यापन की बात आती है तो पुरानी कविता और नई कविता को प्रायः एक तरीके से पढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, पर उनमें कुछ फर्क होते हैं, उनके अध्यापन में कुछ फर्क होना चाहिए। प्रायः कविता के मूल्यांकन और पाठ में एक रूपता का पालन कविता के मर्म तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यह सही है कि कविता में कुछ सार्वभौम विशेषताएं होती हैं, पर यह भी सही है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कविता के पाठ के अलग अलग मानकों को समझे जाने बिना कविता का सही पाठ संभव नहीं है। इन्हें समझने का प्रयास करें। इस सच्चाई से इनकार करना मुमकिन नहीं कि हिंदी अध्यापन का एक सिरा महज खाना पूर्ति में सिमट कर रह गया है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें कुछ पर नज़र डालना मुनासिब है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर अध्यापन में कुछ सवालों की अनदेखी होती है, जैसे साहित्य की भाषा और इससे इतर ज्ञान की भाषा में बुनियादी फर्क क्या है, विधाओं के स्वरूप में अंतर को कैसे व्याख्यायित किया जाए, पाठ को पढ़ाते समय कौन सी विधि अपनाई जाए कि कोई साहित्यिक विधा न सिर्फ अपने पूरे स्वरूप में संबोधित कक्षा तक पहुँचे अपितु उसकी अनगूंज विद्यार्थियों की स्मृति का हिस्सा भी बन जाए। जी, उसी तरह प्रत्येक साहित्यिक विधा का एक विशिष्ट अतीत भी होता है जिसके आलोक में उसका वर्तमान मुखर होता है। प्रायः अध्यापन संसार का एक बड़ा हिस्सा रचनाओं का देश काल निरपेक्ष ऐसा आत्मुग्ध पाठ करता है जिसमें इन सवालों की अनदेखी होती है। विश्लेषण के पहले यह उल्लेख कर देना भी जरूरी है कि प्रायः अध्यापक की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं जिनके चलते अध्यापन एक उल्लेखनीय संदर्भ बनता है।
लिहाजा इस सिलसिले में सर्वस्वीकृत राय बना पाना संभव नहीं। जी जी। बावजूद इसके इन आधारभूत प्रसंगों का अपना महत्व है। सबसे पहले यह देखें कि कविता का अध्यापन करते समय कैसे काव्य लोक में प्रवेश करें। जी। यह बात बार बार कही जाती है कि प्रत्येक कविता में उसके प्रवेश के सूत्र निहित होते हैं, कई बार मुखर ढंग से तो कई बार यह जो सूत्र होता है वह नेपथ्य में होता है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है ज्ञानदेव जी। जैसे मान लीजिए खेल के मैदान पर कोई कविता है या खेत पर कोई कविता है, तो खेल के मैदान पर जो कविता होगी उसके सूत्र यानी उस कविता के संसार में पहुंचने के सूत्र उसी कविता में निहित होंगे। उसी तरह खेत के मैदान पर कोई कविता है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की कविता है सरसों के खेत पर, तो उस कविता में जब आप प्रवेश करेंगे तो उस कविता से ही आपको उस कविता में प्रवेश करने के सूत्र मिलेंगे। यानी हर कविता के पास उस कहा जाता है कि हर कविता के पास उसकी चाबी खुद होती है, और उस चाबी की जब हम पहचान कर लेते हैं तो कविता खुलने लगती है। जी। तो एक शिक्षक को यानी कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए जब वो कविता का पाठ या उसका। लेकिन कविता में महज शब्दार्थ की भूमिका तलाशने वाली निगाह अक्सर यह दर्ज करने से गुरेज करती है कि कविता के समग्र प्रभाव में उस अंतरधारा की क्या भूमिका होती है जिससे किसी कवि की निजता का निर्माण होता है। अब सुबह का जो वर्णन है, मान लीजिए सुबह को अगे देखते हैं अपने नज़रिए से और बावरा अहेरी कविता सामने आती है, और उसी को सुमितानंदन पंत देखते हैं सुबह को तो एक अलग तरह की कविता सामने आती है। वो बहुत मशहूर कविता है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी कैसे तूने पहचाना। यानी हर कविता एक ही विषय पर लिख रहे हैं कवि, लेकिन उनकी निजी विशेषताओं में अलगाव के कारण कविता की जो उपस्थिति है वो अलग तरीके से हमारे सामने आती है। तो कविता की जो बात करते समय कवि की जो निजी विशेषताएं होती उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कविता में बिंब की उपस्थिति। जी। तो कविता में बिंब की उपस्थिति को साफ तौर पर समझने की जरूरत। बिंब क्या है पहले मुझे लगता है कि ये समझ लेना ज्यादा आवश्यक होगा कि बिंब क्या है। जी। बिंब कविता का एक प्राथमिक तत्व है जी। और शब्दों के द्वारा जिस चित्र का निर्माण करते हैं उसे ही हम बिंब कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अरसे पहले एक उल्लेखनीय लेख लिखा था कविता क्या है। उन्होंने उस निबंध में कहा, काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यहाँ यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि बिंब कई बार शब्द में निहित होता है तो कई बार वाक्य में, और अनेक बार तो पूरी कविता मिलकर एक बिंब का निर्माण करती है। फिर से समझ लें इसे, बिंब का मतलब होता है शब्द और कभी वाक्य या कभी कभी पूरी कविता से निर्मित जो चित्र उभरता है उसे ही बिंब हम कहते हैं। यानी ये प्रतीक चिन्हों से कुछ अलग तरह की बात है। शब्दों के माध्यम से जब आप चित्र बनाते हैं तब उससे एक दृश्य जो उभरता है उसे ही बिंब कहते हैं। इसे एक वाक्य से समझे, जैसे किसी के बारे में कहना हो कि तुम बहुत सुंदर हो तो हम ऐसा न कह के यह कहें कि तुम गुलाब का फूल हो, या किसी की पवित्रता के बारे में कहना हो तो हम यह कहें कि तुम पवित्र हो, या न कहकर यह कहें तुम ओस की बूंद हो, इस तरह की बात कहें। तो एक बिंब इस तरह से बिंब के रूप में अपनी बात कही जाती है। कविताओं के माध्यम से इसे समझने की कोशिश की जाए। एक पुरानी कविता ले लें और एक नई कविता ले लें तब बात ज्यादा स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ये कुछ ऐसे साहित्य के ऐसे तत्व हैं। हमारे जो DLED के प्रशिक्षु हैं ये सब के सब साहित्य या हिंदी साहित्य के हो सकता है कि छात्र न रहे हों, अध्येता न हो, तो उन्हें कम से कम ऐसे शब्दों से जो उनके पास हम भेज रहे हैं या दे रहे हैं उसका अर्थ जाने और उसके प्रयोगकर्ता भी बने जी। कि यदि कविताओं में बिंब है तो उसको किस तरह से वो कक्षाओं में ले जाएं और बिंब को किस तरह से जाने, उसको पकड़ें। जी जी ज्ञानदेव जी, आवश्यक होगा। जी ज्ञानदेव जी, दो, इसलिए मैं दो कविताओं का जिक्र कर रहा हूँ, एक पुरानी कविता और हो सकता है कि यह प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की कविता न हो। बावजूद इसके
शिक्षकों या शिक्षिकाओं की जो अपनी समझ होती है उसको बनाने के लिए इसे समझना जरूरी है कि जब पुरानी कविता आप पढ़ाते हैं तब उसमें बिंब कैसे बनता है और जो नई कविता आप पढ़ाते हैं आजकल के दौर की कविता पढ़ाते हैं उसमें बिंब कैसे बनता है। बिंब के बिना कोई कविता बनती नहीं है। मतलब एक बात दोनों ही साफ है कि बिंब भी देश काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और अर्थ भी ग्रहण करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता पढ़ाते समय इस बात से जितनी जल्दी हो मुक्ति पा लेनी चाहिए कि केवल अर्थ नहीं बताना है कविता, आपको कविता के माध्यम से एक जो बिंब उभरा है उस तक पहुंचने जो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। जी जी, लेकिन प्राय होता यही है कि जो हम अर्थ बता देते हैं जी जी, थोड़ी सी और बात आगे बढ़ गई तो कह लेते हैं कि भाई इसका सस्वर पाठ कर लो, लेकिन कविता इससे आगे की चीज है। और इसका एक तरह से प्रशिक्षण हमें स्कूलों से ही, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं से पहले इसकी समझ करना चाहिए। जी, इसकी समझ होना जरूरी है जी। एक पुरानी कविता लें जो घनानंद रचित है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयान पन बांक नहीं, जहां सांचे चले तजी आप उन पो, झझके कपटी जे निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हु पे देहु छटाक नहीं। कविता के अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया से तो तकरीबन सभी अध्यापक परिचित हो ही जाते हैं। जरा बिंब ग्रहण के नजरिए से कविता का भाष्य करें। पहले शब्द के आलोक में देखें, पहले ही पंक्ति में स्नेह के लिए सूधो विशेषण का प्रयोग किया गया है। घनानंद ने पहली ही पंक्ति में स्नेह के लिए सूधो विशेषण का प्रयोग किया है। सूधो यानी सीधा, लेकिन सीधा शब्द से प्रेम में आकंठ डूबे समर्पित प्रेमी का जो बिंब उभरता है उससे कविता का मंतव्य विशिष्ट ढंग से उभरता है। पुराने काव्यशास्त्री इसे ही स्फोट कहते हैं। काव्यशास्त्री बताते हैं कि जब आप एक वर्ण और दूसरे वर्ण मिलकर एक अर्थ की सृष्टि करते हैं तो स्फोट होता है। तो अब आप देखिए कि कविता में स्नेह के लिए सूधो शब्द का व्यवहार किया गया है और सूधो से जो आकंठ डूबा हुआ प्रेमी है उसकी पवित्रता का आख्यान हो जाता है। इसी तरह पूरी पंक्ति यानी अति सूधो स्नेह को मारक है, जहां नेक सयानपन बांक नहीं से भी एक सघन संपन्न बिंब उभरता है। सयाने का मतलब समझदार और बांका का मतलब तिरछा होता है, पर प्रेम की राह अत्यंत सीधी है। यहां तनिक भी सयानापन या तिरछेपन के लिए जगह नहीं है। कहते ही एक विशिष्ट चित्र उभरता है जिसके आलोक में हम प्रेम के दो ध्रुवांतों को पाते हैं। एक तो वह जो सीधा और समर्पित है, दूसरा वह जिसमें सयानापन और टेढ़ेपन का चातुर्य है। फिर प्रेम और प्रेम के खेल का फर्क पूरी तरह से उभर जाता है। जी जी। घनानंद इस छोटी सी कविता में प्रेम के करने के लिए, प्रेम की जो उपस्थिति है हमारे समाज में, उसके दो ध्रुवांतों की बात कर जाते हैं। सूधो स्नेह को मारक, आकंठ डूबे प्रेमी में जो पवित्रता है उसकी बात कर रहे हैं, और जहां कह रहे हैं कि नेक सयानपन, इसमें सयानापन नहीं चाहिए, इसमें तिरछापन नहीं चाहिए। तो प्रेम के दो ध्रुवांत, प्रेम करना एक बात होती है, प्रेम का नाटक करना दूसरी बात होती है। तो घनानंद अपनी कविता में बिंबों के माध्यम से यह कहने में सफल होते हैं कि प्रेम और प्रेम के नाटक में क्या फर्क होता है। वाह, बहुत बढ़िया। अब एक नई कविता के बिंब ग्रहण के आलोक में हम लोग समझे। यह कविता केदारनाथ सिंह रचित है। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। इस कविता में बाढ़ से घिरे जिस इलाके का वर्णन किया गया है वहाँ हर एक साल 3-3 नदियों के बाढ़ का संकट बना रहता है। यह बलिया के एक क्षेत्र का जिक्र है जहाँ पर घाघरा नदी है, गंगा नदी भी है, और इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक भागड़ नाला भी है। तो जिस इलाके की बात की गई है वहाँ पर वह इलाका तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बार बार बाढ़ आती है, तो इसलिए पानी में घिरे हुए लोगों की बात कही गई है। इस कविता में बाढ़ से घिरे जिस इलाके का वर्णन किया गया है वहाँ हर एक साल 3-3 नदियों के बाढ़ का संकट बना रहता है। हर साल लोग बाढ़ से उखड़ते हैं, फिर लोग बाढ़ के बाद बसते भी हैं। कविता यदि यथा तथ्य वर्णन भर होती
तो पाठक एक सामान्य काव्य अनुभव से गुजरता, लेकिन कविता में मौजूद बिंब जाहिरन दो शब्दों और पंक्ति के साथ पूरी कविता में भी मौजूद है, उसे एक विलक्षण काव्य अनुभव से संपन्न करती है। प्रार्थना और विश्वास, ये दो शब्द हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पर यहां वे परस्पर विरोधी ध्रुवों के रूप में मौजूद हैं। शब्द बिंबों के माध्यम से इन शब्दों के तनाव में युग का तनाव झलकता है। एक तरफ संकट के दौर में प्रार्थना ही प्रार्थना की रूढ़ी का नकार। कविता यह बताती है कि संकट के दौर में जो प्रार्थना ही प्रार्थना करने की रूढ़ी है, उससे कविता कहती है ना, संकट के समय में प्रार्थना नहीं, नकार करती है। और दूसरी तरफ बाढ़ के अथाह जल को विश्वास से देख जगह छोड़ चल देने और कहीं और दुनिया बसा लेने का कर्म सौंदर्य से उपजा विवेक। मतलब उस समय प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कहीं और चल के एक नई दुनिया बसा लेनी है या घर असबाब खच्चर और सारे चीज लाद कर चल देते हैं तो एक अलग तरह का बिंब उभरता है। और दुनिया बना लेने का जो कर्म सौंदर्य है उसका विवेक उस बिंब में नजर आता है। यदि यह जिद ठान ले कि कविता का पाठ या उसका अध्यापन करते समय महज अर्थ ग्रहण की परिपाटी ही अपनाएंगे, तब जाहिर है कविता के भाष्य से हम वंचित ही रहेंगे, यानी बिंबों को समझे भाष्य के बिना पठन पाठन संभव नहीं। ये दो कविताएं जो आपने सुनी या जिसको समझने के लिए बिंबों को हम लोगों ने खोलने का प्रयास किया, इससे यह पता चला कि बिंबों को खोले बिना कविता समझ में नहीं आती है। प्राचीन या मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता के पाठ की अलग अलग कसौटियां हैं। उन कसौटियों और मानकों को समझे बिना न तो कविता का पाठ संभव है और न ही अध्यापन। प्राचीन कविता के मूल्यांकन के अनेक आधार हो सकते हैं, मसलन छंद की मौजूदगी का आकलन, अलंकारों का कथन, भंगिमा के संदर्भ में विश्लेषण। तुक मध्यकालीन कविता और आधुनिक काल के प्रारंभिक चरणों में लिखी गई अनेक कविताओं की एक आधारभूत विशेषता है। प्रायः पुरानी कविताएं तुकांत हुआ करती थी। आप देखिए कि यह एक आम प्रचलन है कि तुकांत कविताओं को ही कविता मानने की परंपरा है, लेकिन आधुनिक काल में तुक के बंधन टूटे हैं। तो अब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कहते हुए जो ये मानते हैं कि कविता तो उस जमाने में लिखी जाती थी। कविता तो जब इस तरह की बात कहते हैं कविता प्रेमी, तब उनकी उनके दिमाग में कविता की छंदबद्धता और उसकी तुकबंदी का एक रूप होता है, और वे जो गद्य कविताएं हैं जिसमें तुकबंदी नहीं होती है उसको नकारते हैं। पर यह समझने की ज़रूरत है कि यदि पुरानी कविता में तुक है और छंद है और नई कविता में नहीं है तो उसके क्या कारण है, क्या इसी के आधार पर जो नई कविता लिखी जा रही है उसको हम खारिज कर सकते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुक्त छंद की कविताओं का पाठ, अध्यापन और परीक्षण कैसे हो, प्रायः पुरानी काव्य रूढ़ियाँ इस मसले पर अपनी अत्यंत सरलीकृत राय देती है कि ऐसी कविताओं को कविता नहीं मानना चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ज़रूरत इस बात की है कि छंद मुक्त या अगेय कविता का पाठ अलग अलग ढंग से हो। आज की कविता अन्य कला रूपों मसलन चित्रकला नाट्यकला के अधिक करीब आई है, करीब आने के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं। ठीक उसी तरह जैसे भक्तिकालीन कविता या रीतिकालीन कविता के अलग अलग तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ थे, कविता पाठ अध्यापन और मूल्यांकन के समय आधुनिक काल की छंदमुक्त कविता के बहनापा भरे उल्लिखित संदर्भ को याद रखने की ज़रूरत है। एफ.आर. लिविस ने जिस म्यूजिक ऑफ मीनिंग अर्थ संगीत की बात की थी वह तो कविता में बचा रहा, पर संगीत से ज़्यादा चित्रकला वास्तुकला और नाट्यकला से अपना गठबंधन कविता ने अधिक मजबूत किया। मतलब आज की कविता ने बिंबों संवादों और संदर्भित आख्यानों के चुनिंदा ऋणों में जीवन जगत की विडंबनाएं व फ्लैश करने लगी। फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की क्षिप्र फोकल शिफ्ट जूम मोन्ताज आदि तकनीकों का भी अत्यधिक सृजनात्मक प्रयोग हर अच्छी कविता ने ढंग से किया। जाहिर है आज की कविता के अध्यापन ही नहीं मूल्यांकन के संदर्भ में भी इन मानकों को याद रखने की ज़रूरत है। मतलब समझिए ज्ञानदेव जी, जो आधुनिक काल की कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें कविता ने
छोड़ा है छंद के बंधन को और वो गद्य के करीब आई है, लेकिन छंद के बंधन को छोड़ने के बाद वे अन्य कलाओं के करीब गए, जैसे फोटोग्राफी की कला के करीब गई। आप ऐसी कविताएं देख सकते हैं जिसमें एक चित्र को जब वर्णित किया जाता है, एक मान लीजिए एक फूल का वर्णन किया जा रहा है, तो उसके रेसे रेसे, उसके रग रग, तो वो जैसे कोई कैमरा जूम होकर किसी खास दृश्य पर जाकर टिक जाता है, वैसे ही कविता में वर्णन के समय आपको एक एक उभरी हुई रेखाएं नजर आती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसी तरह संवाद, आज की कविता आपसे बात करती है, तो पुरानी कविता और नई कविता के अध्यापन के तौर तरीके अलग हो सकते हैं। एक जो सामान्य तरीका होता है उसकी तो बात हुई ही कि आप प्रस्तावना रचते हैं, फिर पाठ करते हैं, फिर मौन पाठ करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं, या विद्यार्थियों से पाठ कराते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह जो विशेष बातें हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अध्यापन का तरीका यही होता है कि आप सरल बातों से शुरुआत करते हैं और जटिल अवधारणाओं तक अपनी समझ साफ करते हुए चलते हैं, इसलिए इस बात से नहीं बचा जा सकता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। इसे भी जानने की ज़रूरत है क्योंकि इस जानकारी के बिना भी आप एक अच्छे कविता के अध्यापक के रूप में रूपांतरित नहीं हो सकते हैं। मतलब पद्य के जो भी स्वरूप हमारे पास हैं, हम शिक्षकों को उसके बारे में जानना चाहिए, और कविता का जो वर्तमान है, जो आज जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, हालांकि प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष तौर पर पाठ्यपुस्तक बनाने वाले लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कविताएं लयात्मक हों, जी, तो कांत हों, ताकि बच्चों तक वो संप्रेषित हो सके, जी, आरंभिक कक्षाएं, आरंभिक कक्षाओं में। लेकिन पहले कहीं ना कहीं से जो हमारा वर्तमान है, क्योंकि बच्चे को उसी वर्तमान में जाना है, और आप पहले ही दिन ये तय नहीं कर सकते कि कौन हिंदी पढ़ने वाला है, कौन अंग्रेजी पढ़ने वाला है, कौन वैज्ञानिक बनने वाला है, कौन इंजीनियर, कौन डॉक्टर और कौन शिक्षक, तो इसलिए किसी भी विषय के लिए उनको ये अवसर मिलना चाहिए ताकि वो उस विषय के बारे में जो हमारे समय की जानकारियां हैं कम से कम वो उन तक पहुंच जाएं। तो आपने बड़े ही विस्तार से पुरानी कविता, आधुनिक कविता और के शिक्षण पर चर्चा की, उसके स्वरूप के बारे में हमें बताया। हमारे प्रशिक्षुओं के लिए यह एक लाभदायक चर्चा थी जिसमें उन्होंने पद्य शिक्षण को इस नज़रिए से जानने समझने की कोशिश की। आपने उन सोपानों की भी चर्चा की जो पद्य शिक्षण के लिए अनिवार्य हैं। आपका यहाँ आने और इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम सबकी ओर से, और सभी शिक्षार्थियों का भी आभार और धन्यवाद। नमस्कार।